हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। बीएससी मोटरसाइकिल फिर से अपनी वापसी कर ली है और इसके साथ ही कंपनी ने अपनी पहली नई मोटरसाइकिल को अनवील भी कर दिया है जो कि 650 सीसी इंजन के साथ आएगी। और आपको मैं बता दूं, बीएससी मोटरसाइकिल के जो ओनर है महिंद्रा ग्रुप ऑफ इंडिया है और महिंद्रा के ओनरशिप के बाद बीएससी की ये पहली मोटरसाइकिल होगी जो कि ऑफिशियल तरीके से अनवील किया गया है। इसको कंपनी ने बर्मिंघम के यूके में हो रहे शो में इसको पेश किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इसको बीएससी गोल्ड स्टार 650 नाम से लॉन्च कर सकती है जिसमें 650 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा जिसका इंजन 47 एचपी का पावर और 40 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकता है और ये बाइक मार्केट में रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन को टक्कर देगी। इस मोटरसाइकिल की डिजाइनिंग को आप देख सकते हैं, रेट्रो थीम बरकरार रखते हुए क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इसमें राउंड शेप का हेडलैम्प सेटअप दिया गया है तो इस पे आपको छोटी सी वाइजर भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट और रियर दोनों में मडगार्ड भी दिया गया है तो इसमें टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे बीएसए की बैजिंग दी गई है और इसके टैंक के ऊपर भी आपको स्ट्रिप ऊपर की साइड देखने को मिल जाती है। इसमें जो कि एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है और इसमें फ्लैट सीट दी गई है लेकिन यहाँ पे पीछे कोई ग्रिप रेल देखने को नहीं मिल रही है। तो इसमें इंजन भी देख सकते हैं, काफी बड़े साइज की आपको देखने को मिल जाती है जहाँ पे ब्लैक और क्रोम के साथ आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे फ्रंट में बड़ा सा रेडिएटर भी लगा हुआ है। तो इसके दूसरे साइड क्रोम फिनिश के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम भी बड़ी सी यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसमें रियर व्यू मिरर्स इसके हैंडल बार एंड पे लगा हुआ है। तो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसका जो टेल लैम्प है वो काफी पीछे नीचे दिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिजाइनिंग आप देख रहे हैं, इसकी डिजाइनिंग आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा इसको कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा और इंडिया में कब तक आ सकती है फिलहाल इसकी जानकारी अभी नहीं है। हालांकि बीएससी मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में भी टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में इंडियन मार्केट में भी इसे लॉन्च कर दिया जाए। और इंडियन मार्केट में इसका 650 सीसी इंजन के साथ प्राइस क्या होनी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।